वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जनरली हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस के थ्रू डेली शाम को 3 बजे मिलते हैं, है ना। इवनिंग हो जाती है सर्दियों के अंदर। एंड आज थोड़े हमने कुछ स्पेशल सेशन रखा है आने वाले 2-4 दिन में। 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जैसे सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इन चारों चैप्टर को हम आने वाले 4 दिन में कवर करने वाले हैं। क्या हम यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं, दिस सेशंस आर गोइंग टू बी प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। बहुत ही इंटेंसिफाइड मैनर में हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस सेशन इज मोर अबाउट योर प्रैक्टिस रेदर देन मी। मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, बट स्टिल इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच एंगेजली आप कितना आंसर देते हैं। महेंद्र एंड रितु रानी, वेलकम बेटा। तो अगर आप सरफेस केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन सुपर फास्ट मैनर, जिसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज, एम्स के, CBSE, PMT के, AIEEE के, नीट के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सिर्फ पी वाई क्यू ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत एडिशनल टॉपिक के क्वेश्चन हैं। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं कि आपका पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज हो सके। देखेंगे, बात करते हैं कि ये क्वेश्चन चैप्टर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कितना लेंथी चैप्टर है। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज रजत ढाका एंड टूडे वी आर गोना डिस्कस सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जो जरूर आता है, वन क्वेश्चन ऑलवेज अपियर फ्रॉम दिस चैप्टर। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, फिर तो ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो हम इसको छोड़ सकते हैं। बट आंसर इज नो। एक तो नंबर वन बात, नीट की कट ऑफ दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आप छोड़कर कुछ भी नहीं जा सकते। सेकेंड थिंग कि सरफेस केमिस्ट्री इज ए थ्योरी बेस्ड वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक इन आवर सिलेबस। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आएगा धड़ल्ले से चुटकियां बजाते ही तुम कर पाओगे, तो दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर सकते। तो इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन को यहाँ से कवर जरूर करना, और मैं श्योर करूंगा कि जो बच्चा आज का सेशन एक्टिवली एंगेज करके लगाएगा, आंसर्स देते हुए सोचते हुए लगाएगा, वो इसे एक क्वेश्चन को सिर्फ इस एक क्लास से श्योर कर सकता है। लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, और अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो मेरा वहां पर एक नया बैच भी शुरू हो रहा है, हो चुका है आज से ही, फॉर द नीट 2023 एस्पिरेंट, जिसका नाम है नीट पे जीत। अनअकैडमी की सभी टॉप फैकल्टीज उस बैच में पढ़ाने वाली है। बायोलॉजी रितु मैम पढ़ाएंगे, रमन सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, राजीव सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स गुरजीत सर पढ़ा रहे हैं। तो दिस बैच इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल यूर नीट नीड्स। करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, जहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। आपको यूज करना होगा कोड RD एक्सटेंड, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल फीसेज पर डिस्काउंट मिल सके। आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी। तो यार टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो क्यों ना क्वेश्चन किए जाए। तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी। बताने वाले हैं आप आंसर, एक्टिवली आंसर देने वाले। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इमल्शन की बात चल रही है, तो इमल्शन एक टाइप का कैसा सॉल्यूशन होता है? सर हम दूध पीते हैं वो भी इमल्शन होता है, और इमल्शन आर बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन। इमल्शन हमारा क्या होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। किस टाइप के कोलोइडल होते हैं? डेफिनेटली दे आर लिक्विड इन लिक्विड। किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? दे आर लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डिस्पर्शन फेज एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर गोइंग टू बी इमल्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क क्या है सर? इमल्शन। अभी अभी आपने बताया था, तो क्या आंसर यही कर दें? अरे नहीं, उसने नोट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? नोट करेक्ट, बिल्कुल मिल्क के बारे में सही कहा है। ऑयल इन वॉटर टाइप, वॉटर के अंदर कुछ फैट पार्टिकल सोल्यूबल होते हैं जिनको हम बाद में फिल्टर करके निकाल भी लेते हैं इन फॉर्म ऑफ बटर और घी, वी कैन से। तो ये तो सही है। कोल्ड क्रीम में वाटर कम होता है, ऑयल ज्यादा होता है, तो बिल्कुल ये भी इमल्शन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बटर की, बटर में क्या होता है? ऑयल इन वाटर होता है। कोल्ड क्रीम के अंदर वाटर इन ऑयल होता है, बटर के अंदर वाटर ज्यादा। नहीं, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट कि सर ऑयल बटर के अंदर है ना, वाटर इन ऑयल होगा। बटर के अंदर क्या होगा? वाटर इन ऑयल होगा। क्यों?
सर बटर में मेन कंटेंट तो फैटी होता है, कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो हम कह सकते हैं वहां पर हाइड्रेशन यानी कि ह्यूमिडिटी वाटर का होता है। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग कि सर ये ऑयल इन वाटर नहीं, वाटर इन ऑयल होगा। तो आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। इमल्शंस तो ये सभी हैं, ऑल फोर आर इमल्शंस, बट सी ऑप्शन वाज रॉन्ग बिकॉज दैट इज शुड बी वाटर इन ऑयल टाइप बट इट इज गिवन एज ऑयल इन वाटर टाइप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिंडल इफेक्ट है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है सर? रात को जब हम बाइक लेकर जा रहे होते हैं या सुबह जब घर की खिड़की में से धूप अंदर आ रही होती है तो बहुत सारी धूल हमें उसके सामने उड़ती हुई दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं नॉर्मली वो धूल हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब वो लाइट बाहर से आती है तो हमें उसके अंदर बहुत सारा धूल पार्टिकल्स ट्रैवल होते दिखते हैं। ऐसा ही रात को जब आप बाइक ड्राइव करते हैं तब आपको लाइट के सामने कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, वो कहां पर ऑब्जर्व नहीं होगी ये पूछा। वो होती है टिंडल इफेक्ट। किसकी वजह से आता है सर? टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग होती है और आपको टिंडल इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जिनका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, विच आर ट्रू सॉल्यूशन, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं। सस्पेंशन तो आपको पता है क्या होता है, जैसे मिट्टी के पानी के अंदर मिट्टी घोल लेंगे तो सस्पेंशन बन जाएगा, हवा के अंदर बहुत सारे अगर हम एकदम मिट्टी को उठाकर फेंक दे तो एक बार तो हवा बिल्कुल गंदी आपको मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक टाइम के बाद मोस्ट ऑफ द मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी। तो अब वो क्या बचा है? जब वो मिट्टी हवा में उड़ रही थी तब तो वो सस्पेंशन था, सेटल डाउन होने के बाद अब वो क्या बचा है? कोलोइडल। स्टार्च और गोल्ड सोल हमारे क्या होते हैं? कोलोइडल होते हैं। तो कोलोइडल एंड सस्पेंशन दोनों ही हमें क्या देते हैं? कोलोइडल एज वेल एज सस्पेंशन हमें क्या देते हैं? टिंडल इफेक्ट देते हैं। बट ट्रू सोल्यूशन, अगर पानी के अंदर NaCl घोल लेंगे और उसके ऊपर टॉर्च मारेंगे तो क्या हमें NaCl के पार्टिकल दिखाई देंगे? नहीं सर। अगर नहीं मानते हो तो ऐसा करके देख सकते हो, घर पे एक कांच का गिलास लेंगे, NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके अपोजिट पैरेलल साइड हम जब उसके टॉर्च मार के देखेंगे उसके 90 डिग्री, तो आपको कोई भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं देने वाले। तो एनी ट्रू सॉल्यूशन विल नॉट गिव द टिंडल इफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन कौन कौन से है यहाँ पर ये बात चल रही है। एयर, एयर बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंट गैसेस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल कंप्लीटली मिसिबल इनटू ईच अदर हो रही है, तो बिल्कुल वो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे और ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन अलग घूम रही है ऑक्सीजन अलग। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? अगर फर्स्ट हमारा सही है तो हम इसको गलत कर सकते हैं। ब्लड के बारे में जानते हैं, ब्लड इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन, ब्लड इज ए बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन। ब्लड हमारा क्या होता है? प्रोटीन इज डिसॉल्वड इन वाटर, मैक्रोमोलिक्यूल है तो कोलोइडल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, दैट एयर, सी वाटर विच इज यू कैन से सॉल्टी वाटर, जो अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोसिस मेथड, ग्लूकोज सॉल्यूशन कंप्लीटली सोल्यूबल है, और कंप्लीटली सोल्यूबल है तो डेफिनेटली वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। और फोर, जिसको हम वाइन बोलते हैं, वाइन भी एक्वस एल्कोहल प्लस वाटर होता है, एल्कोहल और वाटर आर कंप्लीटली मिसिबल, तो ये पहले चार कंपाउंड जो है 1 2 3 4, दीज आर ट्रू सॉल्यूशन। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ। शेप सेलेक्ट, पहले बात तो कैटलिस्ट क्या होते हैं सर? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टन करते हैं। क्यों करते हैं सर? बिकॉज वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, देयर डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब ऐसा पॉसिबल कैसे होगा वो हमें यहां पर देखना है। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर पाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोक की मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज द लोक की मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस लोक की मैकेनिज्म? इसका मतलब है कि एंजाइम की कुछ पर्टिकुलर, मान लो कुछ इस तरीके की हमारी साइट फिक्स है, दिस इज द साइट ऑफ एंजाइम, तो अब इसके अंदर कौन सा एक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टेंट जो है वो आएगा तो वो तब ही काम कर पाएगा
जब वो कुछ इस तरीके की शेप का होगा। इफ द अपकमिंग रिएक्टेंट इज समथिंग लाइक दिस, कि जो इसके अंदर फिट आ रहा है, सिर्फ उसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी या उसी के लिए नीचे दिया गया एंजाइम कैटलिस्ट शेप सेलेक्टिव कर पाएगा। तो शेप ऑफ कैटलिस्ट, द स्पेसिफिक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट किसके बारे में बताता है? स्पेसिफिक सिटी ऑफ कैटलिस्ट, की कुछ पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ही वो क्या करने वाला है, रिएक्ट करवाने वाला है। तो हम यहाँ पर बात किसकी करने वाले हैं, कि कुछ पर्टिकुलर का ही करवाएगा, बाकी सभी को वो नहीं करवाने वाला। दैट इज पर्टिकुलरली गोइंग टू बी आंसर हेयर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स फॉर कैटलिस्ट? जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यस, तो से देर वॉज सम काइंड ऑफ नॉइज इश्यू इन द बैकग्राउंड, वी रिजोल्व इट। घर में ऐसा होता है। विच इज फॉल्ट फॉर कैटलिस्ट? अभी अभी हमने देखा था कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का क्या करते हैं, क्या वो एक नॉन फिजिबल रिएक्शन को फिजिबल बना सकते हैं? वट काइंड ऑफ रोल डू दे प्ले? तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी से। कैटलिस्ट आर समटाइम वेरी स्पेसिफिक। बिल्कुल, कैटलिस्ट हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट ले लिया वो हर रिएक्शन पर काम करेगा, नहीं, हर रिएक्शन का अपना एक कैटलिस्ट होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन एग्जामिनर हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। सी ऑप्शन बोल रहा है, कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बिल्कुल सही कह रहा है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। इट डज नॉट एल्टर द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही है, इट ओनली हेल्प्स द इक्विलिब्रियम, इट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम अर्ली, इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम अर्ली। ये तो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवाने में हेल्प करता है बस, ये कभी भी उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन को एल्टर नहीं करता। इट डज नॉट एल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन आंसर क्या आएगा? आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, इसीलिए मैंने डी ऑप्शन से चालू किया था ताकि हम बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकें हैं, कि कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट जब रिएक्शन हो रही है तो उसको फास्ट करवा सकता है। लेकिन इट फॉर एग्जाम्पल, हम थर्मोडाइनमिक्स से अगर बताएं, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है, मीन्स रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो रही है, रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो क्या कैटलिस्ट इसको करवा पाएगा? नहीं, कैटलिस्ट उसको करवा पाएगा जिसका डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव है, बस वो उसके एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रिएक्शन को फास्ट कर देगा। हालांकि वो ना ही डेल्टा जी को चेंज करेगा, ना ही डेल्टा एच को चेंज करेगा, ना ही डेल्टा एस को चेंज करेगा। कैटलिस्ट यूज करने से एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी कुछ भी नहीं बदलती है। क्या बदलता है? सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी बदलती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, प्लेटेनाइज्ड एस्बेस्टोस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। होता क्या है, प्लस हम सल्फर सॉलिड लेते हैं और ये सल्फर सॉलिड O2 के साथ बर्न करवाते हैं, बर्निंग इजली हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है, SO2 गैस। व्हाट वी फॉर्म, हमें SO2 गैस यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस SO2 गैस इज अगेन गेट ऑक्सीडाइज, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन अब की बार सिर्फ नॉर्मली नहीं होती, हमें यहाँ पर प्लेटिनम लेना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट। अब प्लेटिनम कैसा होगा, सॉलिड होगा, और SO2 जिसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं वो हमारी क्या है, गैस। तो अब बताइए, व्हाट इज होमोजीनियस कैटलिस्ट, व्हाट इज हेटरोजीनियस कैटलिस्ट? व्हेन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन सेम फेज वी कॉल देम होमोजीनियस, एंड व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट फेज, फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो वी कॉल देम हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज प्लेटिनम, एंड जो हमारा SO2 है, दीज आर इन डिफरेंट फेज, एक सॉलिड है एक गैस है। तो हम ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, वी आर गोना कॉल देम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, वी आर गोना कॉल देम
हेटरोजीनियस कैटलिस्ट नॉट होमोजीनियस. आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट. इन दिस रिएक्शन हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ध्यान से देखते हैं. के एम एन ओ फोर कन्वर्ट है प्लस सेवन में, यहां पर ये ले लिया है एसिडिक हमने मीडियम के लिए, और यहां पर कार्बन है प्लस थ्री के लिए. बनेगा क्या सर? सी कार्बन का तो होगा ऑक्सीडेशन, सी तो सी प्लस थ्री से सी प्लस फोर में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? सीओ टू. और एसिडिक मीडियम में एमएन का जब रिडक्शन होता है तो वो क्या बनाता है सर? प्लस सेवन से प्लस टू बना लेता है. तो ये हमारे बन गए हैं यहां पर प्रोडक्ट. लेकिन सवाल है कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट बना है ये काम किसका करता है? ये कैटलिस्ट बनता है क्या? बिल्कुल, दिस इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट. क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट. ऐसा क्यों बोलते हैं? होते क्या है ऑटो कैटलिस्ट? व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिकम कैटलिस्ट, इट्स कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस. इट्स कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस. तो KMnO4 विच इज इन प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट गेटिंग रिड्यूस इनटू द Mn प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पर है हमारा प्लस सिक्स. सल्फर का कुछ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन और Mn का होगा रिडक्शन. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस, जब हमारा एक प्रोडक्ट ही काम करना शुरू कर दे एज द कैटलिस्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिसिस. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट. हमारे पास कुछ गैसेस हैं, इनका एडसॉर्प्शन करवाना है कहां पर? चारकोल के सरफेस. ये है मेरा चारकोल का सरफेस एंड आई वॉन्ट टू एड्सॉर्ब डिफरेंट गैसेस. चाहो तो आप इसको अलग अलग कलर से बना सकते हो. चारों का एड्सॉर्प्शन हमें अलग अलग करवाना है. सवाल है कि किसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा. सवाल ये है कि इन चारों में से किसका ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अमोनिया, दिस इज सी ओ टू, दिस इज सी एच फोर एंड दिस इज एच टू. एक्चुअल में इजिली बताया जा सकता है कि किसका ज्यादा होगा. देर आर टू वेज. नंबर वन, हायर द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कॉन्स्टेंट. क्या यूज होता है? हायर द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए, हायर द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए, इजी इज टू liquefy and adsorb the gas. Easy is to liquefy and adsorb the gas. तो गैस को liquefy करना और adsorb करवाना दोनों ही हमारे लिए क्या है? आसान. Higher the value of van der Waals constant A, easy is to liquefy and absorb the gas. Is this point clear? Higher the value of van der Waals constant A, easy is to liquefy and adsorb the gas. अब सवाल है कि सर हमें कैसे पता लगेगा? या तो हो सकता है एग्जाम में आपको दिया गया हो कि चार गैसेज हैं, इनकी एक ही वैल्यू ये है, तो बताओ कौन सी ज्यादा एड्सॉर्ब होगी. तो जिसकी वैल्यू ए ज्यादा होगी वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगी. लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया जो है दैट इज एच बॉन्डिंग शो करती है, और एच बॉन्डिंग की वजह से ईजीएस्ट टू लिक्विफाई है. क्या है? Easiest to liquefy. उसको liquefy करना क्या है? आसान. लेकिन अगर मैं H2 की बात करूं, due to very small size, most difficult to liquefy. Hydrogen, liquefied hydrogen आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा. Most tough to liquefy. इसको liquefy करना बस की बात नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल. इसको liquefy करना हमारे बस की बात.
अगर बात करूं मैं CO2 के बीच में और CH4 के बीच में, CO2 के बॉन्ड्स तो एटलीस्ट पोलर है ना, हालांकि CO2 एंड CH4 बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर बॉन्ड तो पोलर है। ऐसा होने की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है और उसको लिक्विफाई करना एज कम्पेयर टू मिथेन थोड़ा आसान होता है। तो सबसे ज्यादा इजली अमोनिया, उसके बाद आएगा CO2 और उसके बाद आएगा CH4, और सबसे हार्ड तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के लिए आप ये कहते हैं तेरे भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है, वो वाला गाना आप गा सकते हो कि इसको लिक्विफाई करवाना या एडजॉर्ब करवाना हमारे बस की बात नहीं। और अगर इतना आसान होता तो हमारे घर पर हम जिस LPG के सिलेंडर में हम फॉसिल फ्यूल वाली गैस रखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखते हैं, क्यों ना हम वहां पर हाइड्रोजन ही डाल लें। उसमें भी तो ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करवाते हैं, यहाँ भी बर्निंग करवा देंगे, साइड प्रोडक्ट में वाटर बनेगा और बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। तो क्यों हम ये रिएक्शन क्यों नहीं करवा लेते? रीजन इज दैट स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट दैट मच इजी। हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग काम, तो हाइड्रोजन सबसे कम एडसोर्ब होगी। इस पर्टिकुलर केस में आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडजॉर्प्शन के दौरान एंट्रोपी और एंथैल्पी के ऊपर क्या असर पड़ता है? व्हाट इज एंट्रोपी? सर एंट्रोपी इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंट्रोपी होती क्या है? सर एंट्रोपी इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। होगा क्या? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास कि पार्टिकल्स को कितना फ्रीली मूवमेंट अलाउड है। तो यहां पर जो एंट्रोपी है उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस, एंट्रोपी इज डेल्टा एस। तो डेल्टा एंट्रोपी, जब हम एक गैस आराम से गाना गाती हुई घूम रही थी, उड़ रही थी इधर उधर की, उड़ती ही फिरू हवाओं में कहीं, लेकिन नीचे आप ले आए यहाँ पर सरफेस और इस सरफेस के ऊपर आपने इसको चिपका दिया कि नहीं ज्यादा उड़ना अलाउड नहीं है, चुपचाप आओ और इधर बैठ जाओ। तो ऐसा किया तो उसकी फ्रीडम कम हुई या ज्यादा हुई? डेफिनेटली उसकी फ्रीडम जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गई। अगर फ्रीडम कम हुई है तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है हमारी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। डेल्टा एस वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर दिस सिनेरियो। व्हाट अबाउट एंथैल्पी? ये तो हम समझ गए, एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही शॉर्ट में चीजें बता सकता हूँ कि व्हेन एवर बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस एनर्जी इज गेटिंग रिलीज, व्हेन एवर बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस एनर्जी गेट्स रिलीज, तो एनर्जी जो है वो रिलीज, एनर्जी गेट्स रिलीज, एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी नेगेटिव आएगी। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ए और बी ऑप्शन दोनों तो सही आ रहे हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आपको ऑल ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन दिखाई पड़े तो हमेशा ध्यान रखना कि दैट टी डेल्टा एस जो है इसका साइन क्या होगा। टी डेल्टा एस द फॉर द प्रोसेस इज नेगेटिव। यस, अगर हमारा ये डेल्टा एच डेल्टा टी, टी क्या है हमारा सर, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एस जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो 100% नेगेटिव टर्म ही आने वाली है। आंसर जो है वो ऑप्शन डी होने वाला है कि एंट्रोपी भी कम होगी, एंथैल्पी भी कम होगी, एंड टी डेल्टा एस भी हमारा कम ही होने वाला है, यानी कि नेगेटिव ही होने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी किस टेक्निक के ऊपर बेस्ड होती है? तो सबसे पहले तो ध्यान से देखते हैं व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। कुछ इस टाइप का एक बीकर होता है, इस बीकर के अंदर हम एक ग्लास लेते हैं, इस बीकर के अंदर हम कुछ सॉल्वेंट भर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट भर लिया है, कुछ ब्राउन कलर का सॉल्वेंट यहां तक मैंने भर लिया है। फिर हम यहाँ पर एक ग्लास की, हमारे पास एक स्लिट है, एक इस तरह की क्यूबिकल है, इसके ऊपर कुछ एडसोर्बेंट लगाते हैं, सिलिका जेल यहाँ पर जनरली यूज किया जाता है, और हम हमारा सॉल्यूशन की इसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, और यहाँ पर इस सॉल्यूशन के ऊपर
ये हमारा ए है, ये हमने मिक्सचर लगा दिया। अब हम इसको कहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ पर मिक्सचर हमने लगा दिया और उठाकर इसको कहाँ रख देते हैं, पानी के अंदर इस तरीके से, सॉल्वेंट के अंदर इस तरीके से डिप करके रख देते हैं। अब होगा क्या, सॉल्वेंट तो ऊपर की तरफ जाएगा, सॉल्वेंट तो इसके थ्रू कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और सॉल्वेंट जाएगा तो साथ में वो इस सोल्यूट को भी लेकर जाएगा, तो जो कम चिपका हुआ है वो नीचे रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ज्यादा स्ट्रोंगली एडजॉर्ब है वो नीचे रह जाएगा। तो हम मिक्सचर को क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। हमें इतना कुछ नहीं जानना है, हमें क्या जानना है, सिर्फ ये बताना है कि फिनोमिना क्या है। फिनोमिना यही है सर कि एक मिक्सचर को एक स्लिट के ऊपर एडजॉर्ब करवाते हैं, सोलवेंट ऊपर जाता है, जो कम एडजॉर्ब है वो कम हाइट पर जाएगा, सॉरी जो कम एब्जॉर्ब है वो ज्यादा हाइट पर जाएगा, क्योंकि वो तो फटाफट ऊपर चला जाएगा सोलवेंट के साथ, लेकिन जो स्ट्रोंगली चिपका हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा। तो वी सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आंसर इज गोइंग टू बी दिस, दैट डिफरेंट एडजॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिफरेंट अमाउंट में एडजॉर्ब होता है, जिसकी की वजह से हम उनको सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए कोलोइडल सोल्यूशन पार्टिकल्स वी सी एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल के और सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में क्या रिश्ता होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल पार्टिकल या साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज ग्रेटर देन द नॉर्मल सोल्यूट। अगर हम नॉर्मल ट्रू सोल्यूशन की बात करें तो वहां पर पार्टिकल साइज छोटा होता है और कोलोइडल में बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो हम ये तो गलत ही बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर ये तो बोल रहा है कि कोलोइडल का पार्टिकल जो है सोल्यूट का पार्टिकल बड़ा, ये तो गलत है। ये बोल रहा है कि इक्वल होता है, नहीं सर ये भी गलत है। ये बोल रहा है कि इतना ज्यादा, अरे इतना बड़ा थोड़ी होता है यार, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज बेसिकली 1000 टाइम्स देन द वॉल्यूम ऑफ ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स, और वी कैन से द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। अब मैंने बाकी ऑप्शंस के थ्रू इसलिए समझाया है कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आता है और तुम्हें याद भी नहीं, कॉमन सेंस तो लेकर गए हो ना, कॉन्सेप्ट याद हो या ना हो, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से किए जा सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस गलत क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया, तो आंसर हमारे पास क्या बच गया, ऑप्शन सी बच गया। अब एक बहुत ही अच्छी खासी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है कि ऑन द अपकमिंग संडे, आने वाले संडे को, यानी कि आई होप सो परसों, नहीं कल सैटरडे को, 29th ऑफ जनवरी को आपका अन अकेडमी का एक बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है, जिसको अन अकेडमी प्रोडजी टेस्ट हम कह रहे हैं। फायदा क्या है, ये साल में एक बार आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन 20 लाख ऑफ वर्थ की कॉलेज फीस जो है वो अन अकेडमी आपकी स्पॉन्सर करने वाला है। मतलब यहाँ भी फ्री में पढ़ो और कॉलेज में भी फ्री में पढ़ो। कौन कौन बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है, कोई भी बच्चा जो अभी आपका 7th क्लास से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहा है वो बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। 7th, 8th, 9th, 10th, जेई, नीट, किसी भी का भी वो बच्चा है। अब सवाल है कि सर टेस्ट देने का फायदा क्या होगा, क्या इसके लिए कोई फीस सबमिट करनी होगी। नो, इट इज 100% फ्री टेस्ट। लेकिन फ्री का मतलब क्या है कि अनलॉक करना पड़ेगा आपको इसको, और अनलॉक करेंगे तो कोड यूज करना होगा RDX। तो बिल्कुल आप इस टेस्ट में फ्री ऑफ कोर्स हिस्सा ले पाएंगे। कैसे रजिस्टर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करो, रजिस्टर करो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, इजिली दे पाओगे। फायदा क्या होगा, रैंक 1 अगर आया तो एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, रैंक 2 3 अगर आया तो एप्पल का आईफोन मिलेगा, 4 5 आया तो आईपैड मिलेगा, 6 से 40 पे रैंक अगर आपका आया तो अमेजन इको स्पीकर्स मिलेंगे, और अगर 1000 आपके आए तो अमेजन वाउचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये तो हो गया कैश प्राइस, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, टॉप 10 बच्चों को फ्री ऑफ कोर्स अन अकेडमी पढ़ाएगा। अगर टॉप 25 में भी जगह बना ली तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, 25% फीस भरनी है, बाकी सारी माफ हो जाएगी। टॉप 100 में भी आ गए, 50% का एक मैसिव फी रिबेट मिलेगा, और टॉप 200 में आ गए तो भी 25% का डिस्काउंट, और अरे भाई टॉप 500 में भी आ गए ना तो भी एक 15% का एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलता है। तो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो सबको जरूर करना है। अगर आप अन अकेडमी प्लस का हिस्सा बनना चाहते हैं कि सर वेट नहीं कर रहे प्रोडजी का, हमें थोड़ा जल्दी हिस्सा बनना है, तो इट्स द राइट टाइम,
क्यों? क्योंकि वन फैब से अन अकेडमी के सभी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो क्या करें, समय रहते प्लस का हिस्सा बन जाइए, दैट इज द राइट थिंग। अगर यहाँ पर हमारा 28,000 में अभी आपको मिलता है, तो वो आपको कितने में मिलना शुरू हो जाएगा? 330,800। लेकिन ये भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जब आप इसमें RDX कोड लगाएंगे, इस पर डिस्काउंट होगा, आपको नियर बाई 25,000 ही पे करना है, नियर बाई। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अब आपको मिल रहा है यहाँ पर 38,500, जो ऑफ लगाने के बाद आपको सिर्फ 35K का पड़ता है, वो बाद में 40-42 हज़ार का मिलना शुरू हो जाएगा। तो फीसेस बढ़ रही है, तो बीट दिस प्राइस एंड फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उम्मीद फिर से का क्रैश कोर्स, आनंद मनी सर का एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स आ रहा है, जिसके अंदर आनंद मनी सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, शिखा बंसल एंड शशि शंकर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, विराज सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली बैच इज गोइंग टू बी सुपर ओसम। 31 जनवरी से शुरू होगा, उम्मीद फिर से पर आपको क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा। इनविजन बैच भी आ रहा है 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो शुरुआत से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी नीट की टॉप टीम के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चालू कब से होगा? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ऑफ फेब। सेकंड ऑफ फेब से आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए, फिर आता है अंतिम युद्ध बैच। अंतिम युद्ध बैच उन नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जो अभी चाहते हैं कि सर थोड़ा पिछड़ गए हैं, थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन युद्ध हम हारना नहीं, अभी भी हमें विनर टीम बनना है, अभी भी हमें सिलेक्शन लेना है। तो दिस सुपर्ब बैच, ये एक बहुत ही कोटा की टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टी का बैच आ रहा है 2nd ऑफ फेब से, जहां पर आपको पूरी की पूरी 22 की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार मैनर में करवाई जाएगी। 6 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, वो भी ऐसे टीचर जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो बिल्कुल आप इनके साथ रॉक कर सकते हैं। नीट पे जीत बैच मेरा आया है, भी 2 दिन पहले, कल से ही शुरू हुआ है, तो इसका हिस्सा बनकर आप 23 के एस्पिरेंट्स, हाँ 22 के भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ सुपर ऑसम बैच, ये भी बहुत शानदार बैच आपके लिए रहने वाला है, जहां पर आप अनअकैडमी प्लस लेने के बाद अनलिमिटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं, अपनी ऐप का यूज करके, अपने लैपटॉप का यूज करके। आपको जस्ट अपने डाउट की फोटो खींचनी होगी, अपलोड करना होगा, और आपको उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नॉट जस्ट सॉल्यूशन, ये फुली एक्सप्लेन्ड वीडियो में आपको एक टीचर समझा देगा कि हाउ टू डू दैट क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार फीचर है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर ऑनलाइन में समझ तो सब आता है, पर जो नहीं आता वो बताने के लिए कोई नहीं है। तो बिल्कुल एक बहुत ही मिनिमम सी फीस है, अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर करेंगे, दैट इज नियर बाई 6 मंथ के लिए आप सिर्फ 25,000 रुपये पे करेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अनलिमिटेड कंटेंट आपको मिलता है, फ्री डाउट एक्सेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। और लगता है कि नहीं सर फीस ज़्यादा है, तो भाई फ्री में ले लीजिए। यस, आप फ्री में भी अन अकेडमी प्लस पर पढ़ सकते हैं। संडे को, कल हो रहा है प्रोडजी, उसमें परफॉर्म कीजिए अच्छा। संडे को हो रहा है कॉम्बैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड कॉम्बैट होगा, बहुत आसान है क्योंकि पेपर मैंने बनाया ना, तो काफ़ी आसान है। फर्स्ट से थर्ड आने वाले बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, टॉप 10 में आने वाले को 75% स्कॉलरशिप, टॉप 50 में आने वाले को 50%, टॉप 150 में आने वाले को 25%, और गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल भी मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट होगा। तो इसके लिए सबको एनरोल जरूर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोना डू वेरी वेरी गुड। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वैसे तो AIEEE एक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, बट सिलेबस जो है वो नियर बाई सेम रहता है, नीट का भी और AIEEE का भी, या आप कह सकते हो आज के दिन जेई मेन्स का भी। तो उसके PYQ प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और कई बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट कर दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में जितना हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज को। सोल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम को क्या बोल सकते हैं, सोलवेंट। इसमें हमारा सोल्यूट क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड है,
एंड गोल्ड सोल इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली बोल रहा है। जो आयरन का है हमारा FeOH3 का जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है, इसके पार्टिकल्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरीके से हमने एक गोल्ड का सोल बनाया है, उसके पार्टिकल्स के ऊपर नेट ओवरऑल पूरे एक एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं। पहला बोल रहा है सोडियम सल्फेट डाल दो, दोनों को कोगुलेट कर देगा। बिल्कुल, कैटायन भी है एनायन भी है, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। यहां पर कोगुलेशन का रिस्पॉन्सिबल सोडियम होगा और यहां पर कोगुलेशन का रिस्पॉन्सिबल सल्फेट आयन होने वाला है। रिस्पॉन्स डिफरेंट की वजह से होगा, लेकिन ऐसा हो जरूर सकता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्यूशन। बोल रहा है कि अगर हम MgCl2 का सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, तो वो ज्यादा कोगुलेट कर सकता है, मोर रिडली देन द गोल्ड सोल, मोर रिडली देन आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। MgCl2 जो है वो ज्यादा अच्छे से कोगुलेट कर पाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्लोराइड आयन की होगी। हमसे नोट करेक्ट पूछा था। थर्ड चेक करते, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइड चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ सोल। बिल्कुल सही है, नहीं आंसर नहीं है, सही है। कोगुलेशन आयरन इज कोगुलेटेड बाय Mg2+ एंड दिस इज, नहीं गलत, ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअल में इसको कोगुलेट करने का जो काम है वो तो क्लोराइड आयन करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज कोगुलेशन करते हैं, और इसको कोगुलेट करने का काम जो है वो Mg2+ करेगा। तो आप जो यहाँ बता रहे हैं वो उल्टा था, जो पहले बताया जा रहा था, जो लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में वो उल्टा है। उसमें लिखा है कि Mg उसको करेगा और Cl इसको करेगा, नहीं ऐसा गलत है, और ऐसा गलत है तो वही हमारा पर्टिकुलरली क्या है आंसर। नेक्स्ट, फ्रेंडली एडसोर्प्शन आइसोथर्म, कौन सा गलत है कौन सा सही? एक्चुअल में एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है प्रिसाइज, जो फ्रेंडलिच ने सबसे शुरू में दिया था, वो दिया था X/m, दैट इज मास, एक्स है हमारा मास ऑफ एडसोर्बेट एंड एम है मास ऑफ एडसोर्बेंट। ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर रेज टू द पावर 1/n। हालांकि n की पावर कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है। अगर n की पावर 1 होगी तो हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और अगर n की पावर 0 होगी तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट बट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल। ये जो है वो हमारी कहाँ रहती है? ये हमारी लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर वैलिड रहती है। कि हाँ सर, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे आपका X/m बढ़ता जाएगा। ये जो है वो मॉडरेट प्रेशर पर अप्लाई होती है। किसके ऊपर अप्लाई होती है? मॉडरेट प्रेशर के ऊपर। किसी वहां इतना एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगा, पर बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा हाई ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी 100 एटमोसफियर प्रेशर है, एडसॉर्प्शन हो रहा है, अब आपने 100 एटमोसफियर की जगह 150 एटमोसफियर प्रेशर ले लिया, तो क्या अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एडसॉर्प्शन? नहीं, अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो ये किसके लिए वैलिड होगी? प्रेशर की पावर 0, या सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ X/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात तो सेम ही है, किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और इज इक्वल टू 1 होना मतलब कॉन्स्टेंट होना, कॉन्स्टेंट है। ये कब होगा सर? एट वेरी हाई प्रेशर, जब काफी हाई प्रेशर ले लेंगे। लेकिन सही तो सारी है ना सर? हाँ सही तो सारी है, आंसर तो ऑप्शन डी आएगा, कि डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कैसे? हमारी बॉडी के अंदर भी कोलोइडल सॉल्यूशन, हमारा ब्लड ही इनफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, KCl, MgCl, पता नहीं कितने कितने आयंस भी प्रेजेंट है, जिनको हम क्रिस्टिलोइड्स बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है जो कोलोइडल फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारी किडनी में एक प्रोसेस होता है कि जो सोल्ट्स होते हैं, जो क्रिस्टिलोइड्स होते हैं, वो तो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं,
तो जब हमारा ब्लड किडनी में जाता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो उसके में से मेम्ब्रेन में से पास करके बाहर चले जाते हैं और हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर फेंक देते हैं। बट जब हम ऐसा ही हीमोग्लोबिन को भी पास करवा सकते हैं क्या? शुक्र है कि सर हीमोग्लोबिन एनिमल मेम्ब्रेन के पास नहीं होता। अगर हो रहा होता तो डेफिनेटली ना हम हमारी किडनी जो है वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती। तो किडनी कौन सा वो फिनोमिना है जिसके थ्रू हमारे ब्लड को फिल्टर करती है? सर दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। बट अगर हम उसको एक्सटर्नल एजेंसी मान लो चार्ज वार्ज लगाकर इंस्ट्रूमेंट से करवाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इसका आंसर आएगा। करती क्या है सर? ये सेपरेट करती है, सेपरेट कोलोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स, सेपरेट कोलोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स इज द मास ऑफ गैस एडसॉर्ब मतलब सॉल्यूट, एम इज द मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था होता है, पी इज द प्रेशर फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म गिविंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन फ्लोटिंग। अभी अभी हमने देखा था कि एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू द पावर वन। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट भी आएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू प्रेशर रेज टू द पावर वन बाई एम। अब हम दोनों साइड इसका क्या लेंगे? लॉग लेंगे। अगर हम इधर लॉग लेंगे तो क्या आएगा? लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एन आगे आ जाएगा और उधर आ जाएगा हमारे पास लॉग पी। तो अब जब हम इसकी इक्वेशन को क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में लिखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या होगा y, ये वाली वैल्यू जो है हमारी होगी c, वन बाय एन जो है हमारा ये होगा स्लोप दैट इज कॉल्ड m, और log p जो है हमारा ये क्या होगा x। पूछ क्या रहा है? स्ट्रेट लाइन किसके बीच में? तो लॉग पी वर्सेस लॉग एक्स अपॉन एम की जो है वो हमारा लीनियर आने वाला है। और इसका स्लोप कितना होगा? अगर इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो सर इसका स्लोप जो है वो वन अपॉन एन होगा। एंड इसका इंटरसेप्ट जो है कि वाई एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री पर ये कट लगाने वाला है वो हमारा आने वाला है लॉग के। क्या आएगा? लॉग। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। शाबाश, कीप दिस, ट्राई कीजिए, बताइए जरा। हेलो बेटा, गोल्ड सोल की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गोल्ड सोल? दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। वही यहां पर मेन रोल प्ले करने वाली। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव एजेंट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव एजेंट रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम टू जस्ट स्टॉप द कोगुलेशन ऑफ, टू जस्ट स्टॉप द कोगुलेशन ऑफ टू जस्ट स्टॉप द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल व्हेन 1 ml of 10% NaCl solution is added.
बोल रहा है गोल्ड सोल है। अब ये डेफिनेशन जिसको समझने है वो ध्यान से सुने। अब यहाँ पर एक गोल्ड सोल है। अब सबसे पहले तो ये बताएंगे ये गोल्ड सोल पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। सर अभी अभी देखा था फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है पॉजिटिवली चार्ज और गोल्ड होता है नेगेटिव। खासकर गोल्ड और आर्सेनिक का ध्यान रखा है कि क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं NaCl डालेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोगुलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कोगुलेशन बोलते हैं। कोगुलेशन मीन्स रिवर्स ऑफ जब हम बोलते हैं कोलोइडल फॉर्मेशन जो होता है जहां पर हम कोलोइडल फॉर्मेशन के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं उसको कोगुलेट बोलते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने गोल्ड सोल कितना लिया है सर। यहाँ पर हम 10 ml गोल्ड सोल लेंगे और ऊपर से क्या डालेंगे सर NaCl। कितना डालेंगे सिर्फ 1 ml डालेंगे और कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला सर 10% NaCl का 1 ml डाल देंगे। अब कोगुलेशन होनी चाहिए लेकिन रोकेगा कौन कोगुलेशन होने से सर प्रोटेक्टिव एजेंट। अब वो प्रोटेक्टिव एजेंट इस कोगुलेशन को रोकने के लिए कितना लेना पड़ रहा है वही उसका गोल्डन नंबर होता है। जितना कम लेना पड़े उतना अच्छा है मतलब उतना अच्छा ही प्रोटेक्टिव एजेंट। तो यहां पर जो गिवन क्वेश्चन है ये डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली नोट डाउन भी कर ली होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर 1 ml ऑफ 10 ml NaCl इज एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ऑफ 0.05 g और कोगुलेशन जस्ट प्रेवेंट हो गई है। तो क्या यही इसका क्या है क्या यही इसका नंबर है क्या यही इसका गोल्ड नंबर है। नहीं सर दिस इज गिवन इन ग्राम। हमें तो मिलीग्राम में लेना है और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 0.025 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10^3 से तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन। इज द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोग इज द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। फोग भी कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब सर्दियों का समय चल रहा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारी फोग आती है। वहां पर क्या होते हैं गैसियस पार्टिकल आर डिस्पर्स इन लिक्विड। नहीं सर सोलवेंट तो लिक्विड नहीं हो सकता ये बात तो हम जानते हैं। सोलवेंट तो गैस ही होगा क्योंकि हवा के अंदर बनती है सर फोग। हमारे घर के पानी की बाल्टी में नहीं बनती हवा में बनती है तो सोलवेंट तो होगा। और फोग के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉलिड है या लिक्विड है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो जो फोग होती है या स्मोग होती है वहां पर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जबकि हम बात करते हैं मिस्ट की जो टपकने वाली धुंध होती है वहां पर जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड होता है। एक सूखा कोहरा जो आता है जिसमें आपने देखा होगा चारों तरफ धुआं धुआं सा फैल जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिर रहा होता है। लेकिन जो मॉइस्ट होती है मिस्ट होती है वो क्या हो रही होती है गिरती है। कब गिरती है जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो वहां पर हमें काफी सारा ड्रॉपलेट्स गिरे हुए मिलते हैं। तो वो क्या था सर वो कोलोइडल सॉल्यूशन था लिक्विड का गैस के अंदर जो कुछ हद तक ये कह सकते हैं कोगुलेट कर गया या प्रेसिपिटेट कर गया। तो आंसर क्या आएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन फिजियोजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है फिजियोजॉर्प्शन में हम कह सकते हैं कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस क्या बोल सकते हैं कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। बट केमिसॉर्प्शन के अंदर क्या बनता है परमानेंट केमिकल बॉन्ड बनता है। बट इन केमिसॉर्प्शन ए परमानेंट केमिकल बॉन्ड
इज डेवलप्ड बिटवीन एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेट, एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेट, तो दोनों ही केस में बॉन्ड तो बन ही रहे हैं। फिजियोज ऑप्शन में फिजिकल वंडरवॉल फोर्सेस आ रही हैं और केमीज ऑप्शन में परमानेंट बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड चाहे फिजिकल बने या केमिकल बने एनर्जी तो रिलीज होगी। हाँ ये कह सकते हो कि फिजियोज ऑप्शन में कम एनर्जी रिलीज होती है और केमीज ऑप्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों प्रोसेस ही हमारे क्या रहने वाले, एक्सोथर्मिक रहने वाले, एंडोथर्मिक कोई भी नहीं होगा। प्रोसेस के लिए हम ये भी बोला जाता है, इस प्रोसेस के लिए एडसोर्प्शन प्रोसेस के लिए एक बात और भी बोली जाती है कि दीज आर एनर्जेटिकली फेवर्ड, एनर्जेटिकली फेवर्ड। हम क्या चाहते हैं, कोई भी प्रोसेस कौन सी फेवर्ड होती है सर, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो फेवरेबल रिएक्शन होती है, दे आर एनर्जेटिकली फेवर्ड रिएक्शन, बट एंट्रो, क्योंकि एंट्रोपी कम हो रही है और एंट्रोपी कम होना एक अच्छा सिंबल नहीं है, बट एंट्रोपी वर्क्स इन रिवर्स मैनर, वर्क्स इन रिवर्स मैनर, कि कोई रिएक्शन कितनी फेवरेबल है या कितनी नहीं है इसके बारे में कैसा पता लगाया जा सकता है, उसकी डेल्टा जी से। तो डेल्टा एच को तो आपने बोल दिया कि ये नेगेटिव ही होगा, एनर्जी रिलीज ही होगी, लेकिन जब हम टी डेल्टा एस की बात करते हैं तो क्या ये कंडीशन हमारे फेवर में है? नहीं सर, अगर आपने डेल्टा एच को एस को भी नेगेटिव लिया, लिया क्या होता ही है, हर किस ऑप्शन के अंदर डेल्टा एस नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। पर अगर ऐसा हुआ तो हम क्या चाहते हैं, टेम्परेचर क्या हो, लेस हो, तभी एडसोर्प्शन हो पाएगा, ज्यादा टेम्परेचर में नहीं हो पाएगा। लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों का नेगेटिव रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड, पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, और जब मीडियम मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ BaCl2 इज मच लेस देन ऑफ KCl फॉर द फोकुलेशन ऑफ ए। पहले तो ये बताइए फोकुलेशन वैल्यू लेस है इसका मतलब अच्छा कोगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, फ्लोकुलेशन वैल्यू कम होने का मतलब है कि आपको कोगुलेशन के लिए उसका कम अमाउंट चाहिए, कम ही अमाउंट कोगुलेशन करवाने में कैपेबल है। लो फ्लोकुलेशन वैल्यू, लो फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ BaCl2, छोड़िए हम BaCl2 को छोड़ देते हैं, लो फोकुलेशन वैल्यू मीन्स गुड कोगुलेटिंग एजेंट, तब गुड कोगुलेटिंग मतलब प्रेसिपिटेट करवाने में अच्छा काम करता है, वो कम डालोगे तो भी कोगुलेशन करवा देगा, ये एक प्रॉब्लम। तो बोल रहे BaCl2 जो है वो मच लेस है फोकुलेशन वैल्यू, मतलब कोई भी एक ऐसा है जिसके लिए BaCl2 बेटर है, BaCl2 कम यूज हो रहा है तो डेफिनेटली BaCl2 क्या है, बेटर कोगुलेटिंग एजेंट है। एंड फोकुलेशन वैल्यू ऑफ Na2SO4 इज मच देन दैट ऑफ NaBr4 सॉल्यूशन AB, कि Na2SO4 की यहां पर कम है B के केस में, तो Na2SO4 दूसरी जगह पर बेटर है, किससे बेटर है सर, NaBr से बेटर है, तो क्या चीज बदल रही है? अगर मैं ए को मानकर चलूं तो इन BaCl2 में और KCl में BaCl2 ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि सर कैटायन बदल रहा है, आप वन पॉजिटिव कैटायन की जगह टू पॉजिटिव कैटायन चूज कर रहे हो, यार पॉजिटिव टू पॉजिटिव कैटायन, तो कम चलेगा, कम अमाउंट में भी ज्यादा कोगुलेशन करवा देगा, लेकिन कोगुलेशन करवा कौन रहा है सर, ऑप्शन ए में तो Br+2 और K+ करवा रहे हैं, तो मैंने कहा अगर ये करवा रहे हैं तो मतलब सोलवेंट कैसा है सर, जो हमारा कोलोइडल है ए वो हमारा नेगेटिव चार्ज है,
तभी तो ना बीए प्लस करवा पा रहा है, वरना सीएल नेगेटिव तो दोनों में कॉमन ही है, केसीएल में भी और बीएसीएल टू में भी। तो ज्यादा अच्छे से कोगुलेशन बीएसीएल टू करवा पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सोलवेंट सोल नेगेटिव। यहां पर क्या है सर, कैटायन तो सेम है, एनायन में डिफरेंस है, एनायन के ऊपर ज्यादा चार्ज हो गया है तो वो अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट बन गया है। ऐसा कब पॉसिबल है सर? ऐसा तब पॉसिबल है जब बी वाला हमारा कोलोइडल सोल जो है वो क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। बी वाला हमारा क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है, स्मोक किस चीज का एग्जांपल? स्मोक आपने देखा होगा, चिमनियों में से, भट्टियों में से, इंडस्ट्रीज में से निकलता है धुआं। और आप अगर देखेंगे उसके बहुत सारे गंदे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहां पर हम कोयला बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं, और गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही है उनको रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस करने की। लाइक कि हम सोलर पावर से एनर्जी बनाएं, या कह सकते हो हम डिफरेंट अलग काइंड की चीजें यूज करके एनर्जी बनाएं, ऐसा हमारा चाहना है। लेकिन स्मोक जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल? क्योंकि कोयला जब बर्न करते हैं तो कुछ अनबर्न्ट कार्बन भी CO2 के साथ हवा में चला जाता है, और फिर वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाता है, और उसके थर्मल प्लांट के साइडों में जो लोग रहते हैं, जिनके गांव घर बस्ती हैं, वो कार्बन जो अभी हवा में उड़ा था स्मोक के अंदर, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, उनके लंग्स में जाता है, उनके कपड़ों पर जाता है, उनके सर्फेसिस पर जाकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो क्या होता है स्मोकिंग सर? सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व इन गैस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। इज इट क्लियर? सभी का एग्जांपल देते हैं। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है सर? एलोएज होते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रोंज है, ब्रास है, ये कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि ये क्या है, एलोए है। कैसे बनाए गए हैं सर? दो डिफरेंट मेटल्स को डिजोल्व करवाकर, पहले उनको लिक्विफाई किया, डिजोल्व करवाया, और फिर सोलिडिफाई करवा दिया। तो वो एग्जाम्पल है सोलिड इन सोलिड का। गैस डिस्पर्स्ड इन सोलिड का एग्जाम्पल क्या है सर? हमारी ब्रेड जो है, ब्रेड जो है हमारी, हम घर पे खाते हैं, वो सोलिड होती है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप्ड होती है, स्पंजी होती है वो। तो वो क्या है सर? गैस डिस्पर्स्ड इन सोलिड। एंड गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड क्या होता है सर? हमारी फोम। फॉर एग्जाम्पल हम पानी की बकेट लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सर्फेक्टेंट डालेंगे, उसको हिलाएंगे, झाग बन जाएंगे। झाग में क्या है सर? हवा है। हवा किसके बीच में ट्रैप हो रही है सर? लिक्विड के बीच में ट्रैप हो रही है। तो क्या बन रहा है सर? वो हमारा गैस इन लिक्विड का सोल बन रहा है। तो इतना आसान क्वेश्चन जेई मेन्स में पूछा गया था, तो सारे के सारे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाए। नेक्स्ट, फिर से जेई मेन्स का क्वेश्चन बोल रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोलवेंट है हमारे पास, कोलोइडल सोल है, As2S3 वाला। तो मैं आपको बता दूं, सबसे कॉमनली यूज्ड होते हैं गोल्ड सोल एंड आर्सेनिक सल्फाइड सोल, एंड ये दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, दीज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है तो वो कौन सा ज्यादा आपका कोगुलेशन देने वाला है? कोगुलेशन ज्यादा कहाँ आएगा सर? मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द कोगुलेशन। क्या कहते हैं? मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी कोगुलेशन पावर। तो सबसे ज्यादा Al+3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव सोल को सबसे ज्यादा अच्छे से कोगुलेट तो वही कर पाएगा। फिर Ba+2 है, और फिर Na+ है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ दिस इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री का नहीं, आपसे मोल कॉन्सेप्ट पर भी अच्छी खासी मेहनत करवाता है।
3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वॉज एडेड टू ए 50 ml एसिटिक एसिड। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हैं कि यहां पर एक बीकर था मेरे पास, इस बीकर के अंदर हमने डाला एसिड, और इस एसिड के अंदर हमारा कौन सा एसिड है, वी हैव 50 ml एसिटिक एसिड। 50 ml एसिटिक एसिड हमने यहां पर ले लिया। अब ये 50 ml एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ भी हमें दी गई है कितनी, 0.06 नॉर्मल। और अब हमने इसके अंदर डाल दिया 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ताकि वो कुछ एसिटिक एसिड को यहां से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और जब हमने उसको डाला, कुछ एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स को चारकोल ने एड्सोर्ब कर लिया, फिर हमने इसको वापस डीकेंट करके एक दूसरे बीकर में शिफ्ट कर लिया। अब पता लगाया कि अब जो हमारा वापस 50 ml एसिटिक एसिड बचा, डेफिनेटली सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम है, लेकिन उसमें से कुछ सोल्यूट कम हो गया है। और वो सोल्यूट कितना कम हो गया है कि अब हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 0.042 नॉर्मल ही बची है। अब बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो कितना एडसोर्ब हुआ है, ये आप हमें बता दीजिए। तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा इनिशियल इक्विवेलेंट्स कितने थे, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स कितने थे। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करोगे तो मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करते हो तो मोल्स मिलते हैं या इक्विवेलेंट्स मिलते हैं। ml में कर रहे हो तो मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है, 0.06, और वॉल्यूम कितनी दी गई थी, 50। 0.06 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा क्या? यस, तो शुरू में हमारे पास 3 इक्विवेलेंट्स या 3 मिली इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। जब एडजॉर्प्शन हो गया है तो फाइनल कितने बचे हैं, सर वही 0.042 इंटू 50। इसको करो जरा, 0.042 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने इक्विवेलेंट आते हैं, 2.1। यूज कितना हो गया, मतलब कितना यूज्ड और वीकन से एडजॉर्ब कितना हो गया, हाउ मच गेट एडजॉर्ब, सर 0.04, सॉरी 3 माइनस 2.1 दैट इज 0.9। क्या 0.9 एसिटिक सर, इक्विवेलेंट। तो हम यहां पर कहेंगे एसिटिक एसिड के मोल्स कितने आएंगे, CH3 COOH के मोल्स यूज्ड कितने आएंगे, हाउ मेनी ऑफ मोल्स आर यूज्ड, सर 0.9 इंटू 0.9 मोल्स यूज होंगे, हो चुके हैं मोल्स, नहीं, सर दीज आर मिली मोल्स, अगर मोल्स निकालने हैं तो इस तरीके से निकाल पाओगे, ये आ गए हमारे मिली मोल्स। हमें तो मास पता लगाना है कि कितना कितना ग्राम एब्जॉर्ब हुआ, ये पता लगाना है। तो आंसर आएगा मेरे पास कि सर मास पता लगाना है तो क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट। मोल्स हमारे कितने हैं, 0.9 इंटू 10 की पावर -3, और मोलिकुलर वेट एसिटिक एसिड का होता है 60, कितना होता है 60। तो हमारा कितना आएगा, 54 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम, और मिलीग्राम में बात करेंगे तो कितना आएगा, सर 54 मिलीग्राम आ जाएगा, क्योंकि ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर ऑप्शन डी आ गया है, तो मैंने एक एक स्टेप से बताया तो लेंथी लग रहा है, लेकिन क्या आंसर ऑप्शन डी होगा, जी नहीं, आंसर ऑप्शन डी भी नहीं होगा, गलत है। डी ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हाई इट इज सो, सर 54 ही तो आया है, इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि ये 54 मिलीग्राम एसिटिक एसिड जो है ये एड्सोर्ब किसने किया है, सर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट 54 मिलीग्राम ऑफ
CH3 COOH इज एड्सॉर्ब्ड बाय 3 ग्राम ऑफ चारकोल। चारकोल के 3 ग्राम से ऑब्जर्व किया है। हमें तो पर ग्राम का निकालना है सर कि पर ग्राम चारकोल कितना ऑब्जर्व कर रहा है। तो सर 54/3 करेंगे तो 1 ग्राम चारकोल 18 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब कर पा रहा है। दिस इज द रियल आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, जेई मेंस 2015 में पूछा गया था। वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पर हाँ इतना मुश्किल नहीं था, आसानी से किया जा सकता था। एक शॉर्ट ट्रिक हम और अपना सकते हैं कि हमें जब नंबर ऑफ एसिटिक एसिड यूज्ड निकालने थे तो हम सीधा डिफरेंस इन नॉर्मेलिटी निकालते। क्या निकालते? डिफरेंस इन नॉर्मेलिटी वो हमारा कितना आता है, 0.018। क्यों, कैसे आता सर? 0.06 को माइनस करते थे 0.042, तो हमारा 0.018 आ जाता। दिस इज मोलैरिटी। और वॉल्यूम कितनी है सर? वॉल्यूम 50 है। यहाँ से सीधा ही आ जाता हमारा 0.9। तो आसान हो जाती चीजें। अभी इसी 0.9 को 60 से मल्टीप्लाई करके हम मास निकाल लेते हैं मिलीग्राम। आंसर फिर भी ऑप्शन मिल आ जाता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट के कोगुलेटिंग एजेंट्स दिए गए। Sb3S जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, वैसे ये भी हमारा क्या होता है, एक नेगेटिव सोल होता है। अगर ये नेगेटिव सोल है हमारा तो कोगुलेशन कौन करवाने वाला है सर? कोगुलेशन विल बी डन वाया द पॉजिटिव सोल। कोगुलेशन विल बी डन बाय पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो वहां पर कैटायन कौन है? हमें कैटायन से लेना देना है, एनायन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर कौन है सर? Ca+2। ऑप्शन सी के अंदर कौन है सर? Al+3। और डी के अंदर कौन है सर? डी के अंदर NH4+ है। तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग कैटायन कौन है? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग कैटायन। दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग कैटायन। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। इज दिस ऑप्शन क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोगुलेशन वैल्यू इन मिली मोल्स पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड आर गिवन। बताइए कोगुलेटिंग पावर क्या है? कोगुलेशन करने के लिए फॉर एग्जांपल ना, अगर आपको एक सामान खरीदने मार्केट में जाना है और मैं आपको कहूँ आपके पास 3 करेंसीज हैं, एक आपके पास रुपया है, एक आपके पास डॉलर है और एक आपके पास यूरोपियन पाउंड है। आपको सेम सामान खरीदने के लिए पाउंड कम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ 1 पाउंड देना पड़ता है, डॉलर आपको 2 देने पड़ते हैं और रुपए आपको 20 देने पड़ते हैं। तो आपसे पूछूं कि बताइए विच वन इज बेटर करेंसी? बोल से सर जो कम देनी पड़े, जो कम खर्च करनी पड़े। सिमिलरली जब हम कोगुलेशन करवा रहे हैं तो हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं। वट वी वॉन्ट कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं वो कम डालना पड़े या ज्यादा डालना पड़े? डेफिनेटली सर वी वॉन्ट दैट वी हमें कम से कम इलेक्ट्रोलाइट वहां पर डालना पड़े। अगर कम डालना पड़ेगा तो वो अच्छा हो। सबसे कम अमाउंट हमें यहाँ पर किसका डालना पड़ रहा है सर? MgSO4 का डालना पड़ रहा है। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा सर? उसके बाद 0.069 सर सेकेंड वाला होगा। सबसे वीक कोगुलेटिंग एजेंट कौन सा होगा सर? फर्स्ट वाला होगा। क्यों? क्योंकि सर उसका तो 52 मिलीग्राम लेना पड़ रहा है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट लेना पड़ रहा है। 3-2-1 आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? मूविंग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस?
स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए किसी भी प्रोसेस को कोई भी प्रोसेस चाहे एडसॉर्प्शन हो ना हो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वी वांट दैट डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव सॉरी डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव ये नेगेटिव होनी चाहिए ये हम चाहते हैं और डेल्टा एच के बारे में हम जानते हैं ये नेगेटिव होती है डेल्टा एस के बारे में हम जानते हैं ये भी नेगेटिव होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ सर सब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही तो आएगा नहीं डेल्टा एस इज नेगेटिव बाहर नेगेटिव साइन लगा है तो दिस होल टर्म अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं इट इज पॉजिटिव तो अगर हमें नेगेटिव लाना है स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब क्या है कि सर डेल्टा एच जो है ये तो ज्यादा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और डेल्टा एस जो है वो छोटी वैल्यू होनी चाहिए तभी तो वो ओवरऑल नेगेटिव आ पाएगा तो डेल्टा एस हमारी यहां पर क्या रहती है नेगेटिव रहती है सो डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव अगर वो हाईली नेगेटिव नहीं होगा ये वाला तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो हमें हर हालात में डेल्टा एच को ज्यादा बड़ा नेगेटिव रखना होगा ताकि ओवरऑल आंसर नेगेटिव निकाला जा सके क्योंकि अगर डेल्टा एस का अमाउंट ज्यादा हुआ तो ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी और ओवरऑल डेल्टा जी भी पॉजिटिव आ जाएगा और डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी आंसर क्या आ गया अभी के लिए ऑप्शन बी आ गया चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना गलती से चलिए नेक्स्ट कैटेलिस्ट जो है उसका खास काम क्या क्या वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है नहीं इक्विलिब्रियम को वो चेंज नहीं कर सकता जहां था वही रहेगा चेंज इन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जी नहीं क्या एनर्जी सप्लाई करता है जी नहीं आंसर क्या होता है कि टाइम को कम कर देता है सर मान लो एक रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पर आने में 2 घंटे लगाती थी आपने अच्छा कैटलिस्ट डाला पता लगा वो रिएक्शन 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पर आ रही है क्या इक्विलिब्रियम की पोजिशन बदलेगी नहीं क्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बदलेगा नहीं हम ये भी कह सकते हैं अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं इक्विलिब्रियम का कि अगर आपकी ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन का जो कोऑर्डिनेट है ये जो आ रहा है ये क्या है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का है तो कैटलाइज्ड रिएक्शन का कुछ इस तरीके से आएगा यहां तो ये जो पॉइंट है ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये जो है ये भी क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आया है अनकैटेलाइज्ड में अब पॉइंट तो सेम है यहां से अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉप करोगे तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स तो सेम है यहां पर क्या प्लॉट कर रहे थे आप टाइम तो टाइम बदल गया है सर ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये वो है जब हमने कैटेलिस्ट डाल दिया है अब तो पोजीशन तो सेम है लेकिन उसको कितनी जल्दी अचीव किया है वो टाइम बदल दिया तो आंसर आ गया ऑप्शन सी इट शॉर्टन्स द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम नथिंग एल्स मिल्क है कोलाइडल सोल है बिल्कुल शुरू में बताया था तो मिल्क के अंदर कुछ सॉलिड होता है क्या नहीं सर मिल्क के अंदर से हम बटर घी निकालते हैं वो भी लिक्विड होता है दैट इज ऑयल एंड वाटर जो हम लस्सी बनाकर फेंक देते हैं बाद में या कंज्यूम कर लेते हैं वो भी लिक्विड होता है दैट इज नथिंग सॉलिड इन दैट तो इमल्शन तो वो है कोलोइडल सोल तो वह है और उस कोलोइडल सोल को जब लिक्विड इन लिक्विड का होता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं सर इमल्शन बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड्स को ही हम क्या बोलते हैं सर इमल्शन बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं इमल्शन बोलते आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा और अगर मैं बात करूं किस टाइप का इमल्शन होता है सर दैट इज बेसिकली ऑयल इन वॉटर क्या होता है ऑयल इन वॉटर टाइप इमल्शन ऑयल इन वोटर टाइप का इमल्शन होता है तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा ऑप्शन
नेक्स्ट देखते हैं, एडसोर्ब एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कई बार ये हमारे लिए कर सकता है। तो आपको बस यहाँ पर यही देखना है कि क्या यहाँ पर आंसर रहने वाला है। चलिए लेट्स ट्राई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर जो जिसके ऊपर एडसॉर्ब होता है, इसको मैं याद करने की एक टेक्निक के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं कि ऑन विच द एडसॉर्प्शन हैपन्स। ऑन विच एडसॉर्प्शन हैपन, उसको बोलते हैं एडसोर्बेंट एंड स्पीसी गेटिंग एडसोर्ब इज एडसोर्बेट। एडसोर्बिट, अभी यहां पर क्या पूछा है, एडसोर्ब एसिटिक एसिड जो एडसोर्ब हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सर उसको बेट बोलते हैं। बेट वैसे भी आपको पता है किसी को पकड़ने के लिए डाली जाती है, तो जिसको पकड़ा गया है वही हमारा बेट है, वही यहां पर क्या बना है, बेट बना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एक्वस एक्सेस में डालेंगे इज एडेड टू द के आई सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब हम AgNO3 को मिक्स करेंगे के आई के साथ, यहां पर AgI के प्रेसिपिटेट बनना, सॉलिड सेटल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन AgNO3 को एक्सेस में डाल रहे हैं और अब हमें सोल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स मिल रहे हैं कुछ बड़े बड़े इस तरीके के। किसके सर? AgI के। क्यों? क्योंकि सर इनके ऊपर कुछ एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया, क्योंकि आपने AgNO3 एक्सेस में लिया था, अब इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा AgNO3 का Ag डेवलप हो गया, एडसॉर्ब हो गया। अब एडसॉर्ब होने की वजह से ये दो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं बल्कि कोलोइडल सोल बना लेते हैं। कोलोइडल सोल बनाने के लिए हमें पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं चाहिए होता बल्कि रिपल्शन चाहिए होता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ यूनिटी बनाकर सेटल डाउन ना हो। तो क्या चीज एक्सेस में एडसॉर्ब हुई है? सर Ag प्लस के आयन जो है वो एडसॉर्ब हो गए हैं एक्सेस में, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन। चलिए इन फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि सर बॉन्ड परमानेंट नहीं बन रहा है, कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बन रही है, सिर्फ क्या आ रही है, वंडरवॉल फोर्सेस आ रही है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। दैट्स व्हाई फिजिकल एडसॉर्प्शन आर रिवर्सिबल इन नेचर, इनको रिवर्स किया जा सकता है, आर
रिवर्सिबल इन नेचर। आप इनको उल्टा कर सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, दोनों ही बनाया जाना पॉसिबल है। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, दैट वंडरवॉल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स ऑन द क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर जब गैस एड्सॉर्ब होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस और यू कैन इवन से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं एड्सॉर्प्शन के लिए। फिर आपका मध्य प्रदेश पीएमटी का, ये सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लैंगमियर एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म जुटा एंड लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब एट वेरी हाई प्रेशर। वेरी लो प्रेशर की जब बात करेंगे तो एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर पर, कहां पर, वेरी लो प्रेशर पर। एक्स बाय एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर रेज टू द पावर 1/n एट मॉडरेट प्रेशर पर, एंड एक्स बाय एम इज इक्वल टू प्रेशर रेज टू द पावर 0, या हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रेशर रेज टू द पावर 0, और वी कैन से सर एक्स बाय एम इज डायरेक्टली इक्वल टू के, दैट इज कॉन्स्टेंट। कब सर, एट वेरी हाई प्रेशर, जब काफी प्रेशर हाई होगा। तो क्या होगा आंसर, रिच इज ए कॉन्स्टेंट लिमिटिंग वैल्यू, जिसके बाद आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं फिर भी आपका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ने वाला, एक्स बाय एम की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, दैट इज वी कॉल एज द लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। शुरू में जब हम कहेंगे तो कि हाँ सर बिल्कुल, आप जब बढ़ाओगे टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाते जाओगे एक्स बाय एम बढ़ता जाएगा, और हम कहते हैं जब बहुत एक्सर प्रेशर हो जाता है फिर वो चेंज होना बंद हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज रॉन्ग इन केस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। अगर एंजाइम कैटलिस्ट का काम कर रही हैं तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहां पर रॉन्ग है। एंजाइम वर्क्स रेजिज एक्टिवेशन एनर्जी, नो सर, एवरी कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, गलत है ये तो। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, बिल्कुल, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि शुगर के लिए अलग एंजाइम होता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स होता है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, तो सही है, पर ये रॉन्ग पूछ रहा है, आंसर नहीं आया है अभी। एंजाइम्स वर्क्स एट ऑप्टिमम पीएच, बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर एक फिक्स पीएच होती है उसी के ऊपर काम करते हैं, अगर ज्यादा एसिडिटी और ज्यादा बेसिसिटी हो जाए तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देते हैं, और टेम्परेचर भी इन्हें एक ऑप्टिमम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमें फीवर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है ना, हमारी बॉडी के स्टमक का साइज वही है इंटेस्टाइन की, और इनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत सारे एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल रॉन्ग कौन सी है, एंजाइम्स वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है यहाँ पर। आंसर क्या आ गया सर, आंसर तो ऑप्शन डी आ गया, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बाकी टेम्परेचर और पीएच ऑप्टिमम चाहिए, स्पेसिफिक नेचर भी होती है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, बढ़ाती नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब थोड़े से कुछ धमाकेदार पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, चलिए 10 मिनट के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस को निपटा देते हैं। सब्सटेंसेस हो सोल्यूशन कैन रीडली डिफ्यूज थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, जो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली पास आउट हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं सर, उनको बोलते हैं क्रिस्टिलोइड्स। कौन पास नहीं हो सकता सर, कोलोइड पास नहीं होते, क्रिस्टिलोइड जो कि सोल्ट्स होते हैं लाइक Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये जब भी हमारी बॉडी में डायलिसिस होता है तो हम इनको तो सिक्रीट कर देते हैं, यूरिन एक्सट्रैक्ट में बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो पास नहीं होता है। Is this clear? चलिए नेक्स्ट आता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इससे तो छोटा होता है सस्पेंशन से, तो और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है,
तो जो आंसर यहां पर सही आने वाला है वो आएगा ये, दिस इज द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा जेल। जेल के अंदर मेन कंटेंट, या हम कह सकते हो मेन कंटेंट, या हम कह सकते हैं सोल्यूट, सोलवेंट, और हम कह सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ये तो हमारा क्या रहता है, लिक्विड, और जिसके अंदर सोल्यूबल करवाते हैं वो हमारा क्या रहता है, सोल्यूट। जिसको इसके अंदर गुड डालते हैं वो हमारा क्या रहता है, सोलिड रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड जेल। जेल इज बेसिकली वर्क्स इन। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इमल्शन। अभी अभी बताया था मिल्क इमल्शन होता है, किसका होता है, टू लिक्विड का होता है। जैसे कि मैंने कहा था मेरे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल फाइंड आउट कि आप बहुत इजीली पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, अभी हम पीवाईक्यू को फास्टली कर पाएंगे। नेक्स्ट, कोलोइड्स को प्योरीफाई कैसे किया जाता है, मैं बनाने का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, प्योरीफाई करने। तो प्योरीफाई कैसे करना चाहते हैं सर, हम रिमूव करना चाहते हैं किसको, टू रिमूव क्रिस्टलॉइड्स, जो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं, चाहते हैं कि पूरा प्योर कोलोइड ही अंदर रहे। तो क्या कर सकते हैं सर, जैसे हमारे ब्लड का अंदर काफी सारा कंटेंट जमा हो जाता है, फिर हम उसको प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस, हमारी किडनी उसका डायलिसिस कर देती है, कचरे को बाहर निकाल देते हैं, अंदर एक प्योर अच्छा साफ सुथरा कोलोइडल सॉल्यूशन बच जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी कोलोइडल को बनाने के तरीके या उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन से क्यों नहीं साफ कर सकते, क्योंकि सर जो इन द नॉर्मल फिल्टर पेपर में से तो कोलोइड भी पास हो जाते हैं, क्रिस्टिलोइड भी पास हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे। और जब एक्सेस का इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, अभी तक बार बार पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव सोल होगा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके कोगुलेशन के लिए, और पॉजिटिव चार्ज सोल होगा तो नेगेटिव वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे, और नेगेटिवली चार्ज सोल होगा तो कैटायंस रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन उस प्रोसेस को बोलते क्या है सर, कोगुलेशन बोलते हैं, जैसे दूध से दही का जमना भी एक कोगुलेशन ही है। तो उसमें हम उसको अलग करते हैं, डिस्पर्श कोगुलेशन क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गोल्ड नंबर क्या काम देता है, व्हाट इज द मेन रोल, गोल्ड नंबर का काम क्या है। यहां तो आपने समझ आ गया, गोल्ड नंबर क्या करता है सर, हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं सर, कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे सर, कोगुलेट होने से रोकते हैं उसको। क्या करते हैं, कोगुलेट होने से रोकते हैं। जैसे अगर हमें दूध को लंबे टाइम तक चलना है तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं सर, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं जो दूध को कोगुलेट होने से, फटने से बचाते हैं। अब गोल्ड नंबर जो है वो उसी का क्या बचाता है सर, प्रोटेक्टिव एजेंट बताता है। गोल्ड नंबर इज द एमजी ऑफ गोल्ड प्रोटेक्टिव एक्शन बाय लायोफिलिक कोलोइड। लायोफिलिक क्या होते हैं सर, सोलवेंट लविंग कोलोइड। तो हम कुछ सोलवेंट लविंग कोलोइड डालेंगे ताकि वो सोलवेंट फोबिक कोलोइड को प्रोटेक्ट कर सकें, क्या होने से, कोगुलेट होने से। तो आंसर यहां भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे दूध और पानी, दूध के अंदर क्या क्या होते हैं सर, फैट होता है, ऑयल होता है हम कह सकते हैं, और किसके अंदर डिजोल्व होता है सर, वाटर के अंदर। पहले बताओ, वाटर की और ऑयल की आपस में बनती है क्या, नॉर्मली मिक्स करोगे तो मिक्स होंगे क्या, आप घर पे कोशिश करना, आधा गिलास पानी लेना उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डालना और उसको डिजोल्व करवाने की कोशिश करना, बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होगा। आधा चम्मच ऑयल डालना, फेरते रहना फेरते रहना, थोड़ा सा लगेगा तुम्हें सोल्यूबल हो गया, लेकिन फिर वापिस सेटल डाउन हो जाएगा, सोल्यूबल नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर फिर थोड़ा सा सर्फ डाल लेना, सर्फ डाल के घुमाना, और आप देखोगे कि कुछ हद तक सोल्यूबल हो गया है। क्यों, क्योंकि सर सर्फ जो है वो क्या है, सोलवेंट लविंग है,
और जो ऑयल था वो सॉल्वेंट अपोजिंग था, लेकिन वो सॉल्वेंट लविंग खुद भी डिजोल्व होगा और साथ में थोड़ा उसको भी डिजोल्व करवा लेगा, प्रोटेक्शन कर देगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? तो सर्फेक्टेंट हमारा वाटर लविंग है, तो वो हमारे ऑयल को भी, जो वाटर रिपेलिंग है उसको भी डिजोल्व करवा देगा। तो क्या कर देगा? प्रोटेक्शन कर देगा उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। रिगार्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैटलिस्ट, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एग्जाम में इन बातों का जरूर ध्यान रखना, कब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, कब पूछ रहा है नॉट ट्रू पूछ रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है कैटलिस्ट इज अनचेंज्ड केमिकली, बिल्कुल सही कह रहा है, कैटलिस्ट खुद चेंज नहीं होते, वो तो सिर्फ खुद यूज भी नहीं होते। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज ऑफन सफिशियंट टू ब्रिंग अबाउट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल, कैटलिस्ट का अमाउंट आपको थोड़ा ही लेना होता है, अपने आप रिएक्शन करवा देती है। आंसर सी गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये इक्विलिब्रियम को बदल देता है। जी नहीं, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं बदल सकता, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। सी आ गया। बोल रहा है केमिसॉर्प्शन, इसका सही ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ तो फिजिकल जॉर्प्शन का है, दिस इज ग्राफ फॉर द फिजियोजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एडसॉर्प्शन कम हो रहा है, फिजियोजॉर्प्शन। लेकिन हर केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए सर कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो जब शुरू में टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो एडसॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सर एक्टिवेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्टिवेशन एनर्जी को जो क्रॉस कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फिर रिवर्सिबल रिएक्शन भी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द फॉर द फिजियोजॉर्प्शन, ये फिजियोजॉर्प्शन के लिए रहता है। इज इट क्लियर? चलिए, ये एम्स का क्वेश्चन था। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स अपॉन एम एंड लॉग पी का है, तो बताओ स्लोप क्या होगा? एक्चुअली हमारे पास फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, क्या होता है? लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन अपॉन एन लॉग पी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आता है, ये वाला जो है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाई एक्सिस के ऊपर हम लिख रहे हैं। इसको हम कहाँ लिख रहे हैं सर? इसको हम एक्स एक्सिस पर लिख रहे हैं। तो ये बेटा स्लोप रिप्रेजेंट नहीं करता है, दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट। ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है सर? इंटरसेप्ट, कट ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है सर। एक्स के साथ जो आता है इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, हाँ बेटा बढ़िया बता रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ आपको रेखा, बेटा यू आर डूइंग गुड जॉब। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो चीज है ये हमारी क्या है? स्लोप है। दिस इज आवर स्लोप, वन बाय एन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंजाइम का लिविंग सिस्टम में काम क्या है सर? क्या ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं? नहीं सर, वो तो हीमोग्लोबिन करता है। तो काम क्या होता है सर? एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं सर? एंजाइम्स को हम बायो बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब तो बायोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर, अब हम कैटलिस्ट में प्योर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब तो यूज नहीं कर सकते, एंजाइम्स करते हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को या बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं हमारे एंजाइम। क्लियर है? चलिए, ए केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज बाय एक्स, सो एक्स इज, काम क्या करता है वो? क्या वो एंथैल्पी को चेंज करता है? जी नहीं। क्या वो रेट कांस्टेंट को चेंज करता है? जी नहीं, ये तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है? जी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम नहीं करता है। तो क्या करता है? कौन सी स्टेटमेंट सही है सर? ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट जस्ट हेल्प्स द रिएक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्ट। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा रेखा? आंसर ऑप्शन बी समझ आ गया है आपको? अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट है यू कैन आस्क मी, आई विल लव टू रिस्पोंड टू योर क्वेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। When some special substances like protein particles, blood corpuscles are separated by a semi-permeable membrane, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। हम काफी बार उसको देख चुके हैं। हम वहां से सॉल्वेंट को पास करेंगे तो हमारा क्रिस्टलॉइड्स बाहर निकल जाएंगे और हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होती है? ये वो है कि सर आपके हमारे घर पर पानी की टंकी है, पानी में जब हम सर्फ डालते हैं तो सबको पता है झाग बनते हैं, और झाग को ही क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। मेरा सवाल है कि आप बहुत बड़ी पानी की टंकी के अंदर अगर एक चुटकी सर्फ डालोगे तो क्या झाग बनेंगे? आप कहोगे नहीं सर, हमें एक मिनिमम अमाउंट में सर्फ डालना होगा तब जाकर झाग बनने शुरू होंगे, ऐसे पूरी बड़ी टंकी के अंदर एक चुटकी डालोगे तो नहीं। तो जो मिनिमम डालना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं सर? सीएमसी बोलते हैं, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। और मिसाइल कैसी बनती है? मिसाइल कुछ इस तरीके की होती है सर, ये हमारा पोलर पार्ट रहता है और ये हमारा नॉन पोलर पार्ट रहता है। कुछ इस तरीके से हमारे मिसाइल सर्फेक्टेंट्स के पार्टिकल बनते हैं। जो ब्लू कलर वाली चीजें हैं वो क्या है? वो नॉन पोलर पार्ट है, और रेड कलर है वो हमारे पोलर हेड है। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है मिसाइल का, फॉर्मेशन का मतलब होता है सर्फेक्टेंट्स का एसोसिएशन। नेक्स्ट, हार्डी स्कूल्स रूल के अकॉर्डिंग द कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन। हार्डी स्कूल्स रूल बोलता है सर हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर इज द कोगुलेटिंग पावर। तो आंसर हमारा आ जाएगा सर ऑप्शन बी, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। बिल्कुल बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है, मिसाइल बनाता है और क्लीनिंग करने के काम देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलोइड। उसका कोगुलेशन करवाने के लिए क्या यूज किया जाता है? डायलिसिस से तो प्योरिफिकेशन होता है, कोगुलेशन नहीं होता। क्या होता है? प्योरिफिकेशन। हमें कोगुलेशन करवाना है मतलब हमें तो उसको सेटल डाउन ही करवाना है, बर्बाद ही कर देना है। तो सर कोगुलेशन कौन करवाता है? सर बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, अगर पॉजिटिव चार्ज सोल्व हुआ तो एनायन उसका कोगुलेशन करवा देगा, और नेगेटिव चार्ज सोल्व हुआ तो कैटायन उसका कोगुलेशन करवा देगा। और यहाँ पर आंसर जो है वो मेरा क्या रह जाएगा? ऑप्शन डी रह जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, हाउ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? सर बारी बारी एक ही एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं नहीं पूछ रहा हूँ भैया, एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। पिछले का हमने डी कर दिया था कि सर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके करता है, और ये बहुत ही एक बेसिक और फंडामेंटल सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। एडसोर्प्शन ऑफ गैस करवा रहे हैं उन्हें सरफेस ऑफ सॉलिड, कंडेंसेशन फॉर कंस्ट्रक्शन। नहीं बेटा, कंडेंसेशन तो एक गैस को हम लिक्विड में लाते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन सोल का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है ना, कोलोइडल में कहाँ यूज करोगे? सर गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, बट उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गैस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। सर पहला ही ऑप्शन आंसर है, गलत है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन तो कम होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि फ्रीडम कम हो रही है तो एंट्रोपी नेगेटिव, और बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी नेगेटिव। बिल्कुल, कुछ सब्सटेंसेस के लिए एडसॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है और हर एडसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। अगर एक बार एडसॉर्ब गैस हो भी गई है, आप उसको हीट करेंगे तो वापस चली जाएगी। हमने बार बार एक नाम पढ़ा है जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड चारकोल? कि सर अगर घर में चारकोल काफी दिन से रखा पड़ा है लैब के अंदर, तो नेचुरली हमारे रूम की काफी सारी एयर उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। हमें उसे एक्टिवेट करना होता है तो क्या करते हैं? हम उसको ओवन में रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए, मतलब हीटिंग पे रख देते हैं। हीट पे रखते हैं तो गैसेस वापस क्या हो जाती हैं? एड्सॉर्ब से हट जाती हैं, तो चारकोल अब क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, उसकी सारी साइट सब अवेलेबल हो जाती हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर। अभी अभी हमने बनाया था बेटा कि यहाँ पर ऐसे गोल का बनेगा मिसाइल, और इसके ऊपर जहां पर ये रेड कलर के जो हेड्स हम बनाएंगे इस मिसाइल के, ये हेड तो हमारे क्या होंगे सर? दीज हेड्स आर गोइंग टू बी द पोलर पार्ट, दीज हेड्स आर गोइंग टू बी द पोलर पार्ट। और इस तरीके से दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे सर? दीज आर गोइंग टू बी पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट। तो क्या बोल रहे हो? पोलर पार्ट एट द आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर एट इनर सरफेस। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। इज इट क्लियर? चलेगा। विच फॉर्म ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन कौन बनाता है? स्टार्च। ये मैक्रोमोलिक्यूल है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो ये कोलोइड बनाएगा।
काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, डिजोल्व होते हैं, तो क्या बनाते हैं सर? ये तो सब ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए सर कोलोइडल बनाने के लिए। जो सिर्फ स्टार्च का बड़ा है तो सिर्फ स्टार्च ही कोलोइडल सॉल्यूशन बना पाएगा, बाकी कोई नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है मिसाइल तो सब में बन जाए क्या बताओ, पर ये बताओ ऐसा मिसाइल बताओ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता हो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव चार्ज है, और वैसे भी ये तो मिसाइल ही नहीं बनाएगा सर, ये तो बहुत छोटा है। ये जो सोडियम डोडेकाइल सल्फेट है, इसमें कुछ ऐसे लंबी कार्बन चेन होती है, और इसके साइड में हम लास्ट में क्या लगा होता है सर? सल्फेट आयन लगा होता है। और सोडियम जो हम डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं ना सर, ये डिटर्जेंट है, सोप होती है, जब ऐसे यहाँ पर कार्बोक्सिलेट होता है, सल्फेट होता है, तो वो क्या होता है? डिटर्जेंट। लेकिन जब इसका मिसाइल बनाएंगे तो जो पोलर पार्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर वो तो नेगेटिव होगा। हम कैसा बनाना चाह रहे हैं सर? पॉजिटिव वाला पूछा है, तो हमें सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये होता है हमारा, जब यहाँ पर हम तीन तो मिथाइल ग्रुप लगाकर रखेंगे, ये हो गया हमारा पोलर पार्ट, इधर काफी लंबी चेन होगी और इधर बी आर नेगेटिव होगा। अब जो मेरा पोलर पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है? सर वो पॉजिटिव कैटायनिक है। बहुत ही कम एग्जाम्पल है हमारे पास जहां मिसाइल फॉर्मेशन के अंदर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो हमारे पोलर पार्ट होते हैं, वरना पोलर पार्ट जनरली कार्बन, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड या फिर सल्फेट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। इज दिस क्लियर? कि हाँ सर, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनिया के नाइट्रोजन के चार बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज है, यही हमारा पोलर पार्ट है और कैटायनिक भी है। चलिए अब वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि बताओ हम बेंजीन को पानी में डिसोल्व करवाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बेंजीन पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती है और हम उसको सोल्यूबल करवाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्पर्स बेंजीन इन टू द वॉटर, वट शुड वी डू? कौन सा यहां पर हम लें? सर ये तो पूरा मॉलिक्यूल ही क्या है सर? नॉन पोलर है, ये तो खुद पानी में इनसोल्यूबल होगा, इटसेल्फ इनसोल्यूबल इन वॉटर। सेम सिचुएशन इसकी है सर, नियरली नॉन पोलर है, तो सर ये खुद पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। इसके दोनों एंड पोलर हैं, इसके क्या हैं सर? इसके तो दोनों एंड पोलर हैं, तो ये पानी के अंदर तो सर अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगा, बट ये बेंजीन के अंदर अच्छे से सोल्यूबल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑयल के अंदर, ऑयल को अगर आप पानी में डिजोल्व करवाना चाहते हैं तो क्या डालना पड़ेगा? सर्फेक्टेंट। ऐसा क्यों करते हैं? क्लीनिंग एक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो क्या होता है सर, इस तरीके से हमारी ऐसे लिखा होता था कि ये ऑयल ड्रोपलेट है या ग्रीस है, या बेसिकली ऑयल का मतलब क्या है कि सर नॉन पोलर पार्ट है पानी में। वैसे तो हम उसको कपड़े को धोने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी में डिजोल्व होकर बाहर तो आ नहीं रहा है क्योंकि पानी में इनसोल्यूबल है। तो हमने क्या ले लिया सर? एक सर्फेक्टेंट का मॉलिक्यूल ले लिया, इस तरीके की चेन थी और सर यहाँ पर ये वाला हिस्सा था, तो हमने क्या किया, इसको उठाकर लेकर गए, कहा भाई चल इसको सोल्यूबल हो जा। ये जो नॉन पोलर हिस्सा था ये वाला, ये किसमें सोल्यूबल हो गया सर? ये नॉन पोलर हिस्सा बेंजीन में या किसी भी नॉन पोलर पार्ट में अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगा। और जब इसको हम यहाँ रख देंगे तो पानी के साथ किसकी अट्रैक्शन हो जाएगी सर? इसकी। तो ये जो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका आधा पार्ट पोलर होता है आधा पार्ट नॉन पोलर होता है, वो हेल्प करता है फैट्स को, बेंजीन को पानी में डिसोल्व करवाने की। तो जब बेंजीन के अंदर इस मॉलिक्यूल को डालेंगे तो बेंजीन किसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगी सर? बेंजीन तो इसके साथ खुश रहेगा क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर हैं, और ये पानी के साथ खुश रहेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल बेंजीन पानी में सोल्यूबल हो जाएगा। आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। आई होप सो यू गॉट इट। एक बार फटाफट बताएं, समझ आ गया? नहीं आया तो पूछ सकते हैं। चलिए द नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिस्ट। ये तो सही है बिल्कुल, कि एंजाइम्स के ऊपर अगर हाई टेम्परेचर या अल्ट्रा वायलेट रेज डालोगे तो वो खराब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। नो, बेसिकली एंजाइम्स आर, बिल्कुल बेटा, हेड पोलर होना चाहिए वाटर की तरफ और टेल नॉन पोलर, बेंजीन में चली जाएगी। एंजाइम्स क्या होते हैं? बेस्ट
परफॉर्म करते हैं ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। तो वो बोल रहा है कि सबसे कम काम करते हैं। अरे नहीं 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 बल्कि ऑप्टिमम प्रेशर के ऊपर तो बेस्ट काम करते हैं सर। तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था उसने। इज इट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन डेल्टा सॉरी ऑप्शन बी आंसर आएगा। डेल्टा एस तो नेगेटिव हो ठीक है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन डेल्टा एच को ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, फोग क्या है? फोग आज के दिन सर्दियों में तो काफी चल रही है, सोलिड इन गैस को हम क्या बोलते हैं? फोग बोलते हैं। चलिए ये हमारा करवा तो मैं पहले भी चुका हूँ, फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको दिया था कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो हमारा नेगेटिव सोल है, और कौन कौन से हमें कितने इलेक्ट्रोलाइट डालने पड़ रहे हैं कोगुलेट करवाने के लिए वो दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट से एक सामान लेने जाते हैं, आपको रुपए देने पड़ते हैं 10, डॉलर देने पड़ते हैं 2, और पाउंड देना पड़ता है सिर्फ 1। आपसे पूछें कि कौन सी करेंसी अच्छी थी, सर पाउंड अच्छी थी, कम देना पड़ा, अच्छा ज्यादा सामान हमें मिल गया। तो कोगुलेटिंग एजेंट भी कौन से अच्छे होते हैं, किसकी पावर ज्यादा होती है सर, जिसके कम यूज करने से कोगुलेशन हो जाए। सबसे कम यूज सर हमें MgSO4 यानी कि थर्ड का करना पड़ रहा है, फिर सेकंड का, और फिर हमें फर्स्ट का यूज करना पड़ रहा है। तो आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी रह जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल, एस नेगेटिव और एच नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन बेटा स्पॉन्टेनियस बनाना है तो एच को ज्यादा नेगेटिव होना जरूरी है। अगर एच कम नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल बेटा, फोग मिस्ट कंपाउंड सोलिड इन गैस, द सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इन वॉटर को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम। चलिए आज की क्लास के लिए इतना एनफ है। अगर आप अन अकेडमी प्लस पर आकर पढ़ना चाहते हैं या फ्री कोर्सेज को अनलॉक करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RDX। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल भी इसी समय 12 बजे लेकर आएंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, धमाकेदार तरीके से लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं PYQ। तो अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें PYQ और कुछ अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, तो आप कल 12 बजे इस चैनल पर मुझे लाइव मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।